चावल थाना क्षेत्र के पुरना दुष्कर्म के एक आरोपी ने जमानत पर छूटने के बाद जमकर जश्न मनाया। आरोपी ने जमानत मिलने के बाद डीजी के साथ पूरे गांव में जुलूस निकाला। इस जुलूस में समर्थकों ने जमकर हंगामा काटा। भोजपुरी गाने आज जेल हुई काल बेल हुई, परसों से फिर से वही खेल हुई गाने पर जमकर थिरकते हुए जश्न मनाया। इस पूरे वाकया का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं जश्न मनाने के बाद आरोपी ने एक बार फिर से दुष्कर्म पीड़िता के घर जाकर उसे जान से मारने की धमकी दी। वहीं इस सभी घटनाक्रम में पुलिस नदारद रही, जबकि पीड़िता ने कोतवाली जाकर बाकायदा आरोपी के खिलाफ शिकायत की। वहीं उस गांव की रहने वाली दुष्कर्म पीड़िता का आरोप है कि पूरे जश्न के दौरान उस पर निशाना साधते हुए आरोपी के समर्थकों ने उसे जमकर भद्दी भद्दी गालियाँ दी। पीड़िता का आरोप है कि उस पर सुलह करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और ऐसा ना करने पर उसकी हत्या की धमकी दी जा रही है। इस वाकया के बाद पेशी पर पहुंची दुष्कर्म पीड़िता ने आज न्यायालय से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। घोरावल थाना क्षेत्र के पुरना गांव में रहने वाली एक आदिवासी महिला के साथ पुरना गांव के दबंग पूर्व प्रधान रमेश उर्फ मुंशी यादव ने वर्ष 2021 में दुष्कर्म किया था। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस के पास जाकर मुकदमा दर्ज करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। पीड़िता की जब घोरावल थाने में सुनवाई नहीं हुई तो उसने कोर्ट के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद आरोपी रमेश यादव को जेल भेज दिया गया था। बता दें कि जब बीती 13 मई को वह जमानत पर छूटकर वापस पुनः गांव लौटा तो उसके समर्थकों ने पूरे गांव में डीजे के साथ जुलूस निकाला। शिकायत के बावजूद भी पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़िता का आरोप है कि उसे आरोपी महेश यादव की तरफ से लगातार बोटी बोटी काट कर फेंक देने की धमकी दी जा रही है, उस पर सुलह करने का दबाव बनाया जा रहा है। जनपद न्यायालय में आज पेशी पर पहुंची महिला ने न्यायालय से अपनी जान की सुरक्षा किए जाने की गुहार लगाई है। पीड़िता के वकील का कहना है कि इस संबंध में न्यायालय ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि पीड़िता की जान माल की सुरक्षा की जाए। इस मामले में दबंग आरोपी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। सोनभद्र से रवि सिंह की रिपोर्ट। क्या बात है, पूरी बात बताइए। बलात्कार हुआ है। क्या हुआ था, पूरी बताइए कि कैसे, फिर मुकदमा दर्ज हुआ था? हाँ साहब, दर्ज हुआ था। तब पुलिस ने क्या कार्रवाई की? थाने पे गया था, 2-3 बारी रिपोर्ट लगाया था, जल्दी सुने नहीं वहाँ से, तब दर्ज किया है यहाँ कोर्ट से। तो जेल गया था? हाँ जेल गया था। अब क्या समस्या आ रही है? अब जेल से आज 13 तारीख के और हमें गजा बाजा से अब धमकी देता है कि तुम मुकदमा नहीं कर सकबो तो बोटी बोटी काट के फेंक दे। अच्छा, 13 तारीख को जब वापस आया तो क्या किया उसने? हमें धमकी देता है कि सुलह नहीं लेती है तो तुम्हारी बोटी बोटी काट के फेंक देगा। अच्छा, गाजे बाजे वाला क्या मामला है, क्या किया था उसने? गाजे बाजा किस तरह से ले आए थे? गाजा बाजा के साथ भाई नाचत गावत को ले आए पूरे गाँव में। हाँ पूरा गाँव में। अच्छा, पड़ाखा उड़ाखा खूब धूमधड़ाके से बोलल हो। अच्छा, क्या धमकी दे रहा है? तुम लोहिया ना लेती है तो तुम्हारे काट के बोटी बोटी फेंक देगा। जो रेप पीड़िता आपके साथ आई है, जी, तो इनकी समस्या क्या है और क्या समस्या आ रही है इनके साथ? इनके समस्या आ रही है कि प्रधान छूटने के बाद जो है रमेश उर्फ मुंशी यादव जमानत पर छूटने के बाद गांव में गया, गांव में इनको धमकी दिया कि जान से मार के फेंकवा देंगे और तुम्हारे साथ जो घटना पूर्व में किए हैं फिर तुम्हारे साथ वहीं बलात्कार होगा और तुम कहीं ना जाओगी, और इन्होंने धमकाया चमकाया और मारने पीटने की पुनः धमकी दिया। तो अब आगे क्या कर रहे हैं? अगले मैंने उसके खिलाफ जो है कि रमेश के खिलाफ हमने न्यायालय में पीड़िता द्वारा अप्लीकेशन दिलवाया जान माल की सुरक्षा के लिए कि जान माल की हमारी सुरक्षा की जाए और हमारे साथ कोई घटना न घटे दोबारा। तो ये बताइए कि जब बीती 13 मई को जब वो वापस आए गाँव में किस तरह का जुलूस उसने निकाला? उसने अपने सहयोगियों के साथ 20 गाड़ियों से माइक पर बोलते हुए भद्दी भद्दी गाली देते हुए इनको धमकाया, इनके दरवाजे बजा करके और इनको जान से मारने की धमकी दिया। इस बात को सूचना पुलिस घोरावल को नहीं, पुलिस घोरावल को दे दी गई, सहूदों को दे दी गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई।